वेलकम बैक। आज की इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है ये कवर करेंगे। ये एक्सेल का जो है एक मतलब वर्कबुक ओपन किया हूं मैं। अभी यहां पर क्या करना है हमको कि यहां से स्टार्ट करना है और यहां पर हम जो है सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहां एक इमेजिनरी नेम लेते हैं, एमके एंटरप्राइजेस, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहां पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, ठीक है। अभी यहां पर जो है बैलेंस शीट में चार कॉलम होते हैं, जैसे कि पहला जो कॉलम है इसमें से ये रहेगा लायबिलिटी का, उसके बाद यहां पर रुपीस, उसके बाद थर्ड कॉलम रहेगा एसेट्स का और उसके बाद रुपीस, ठीक है। अभी यहां पर जो है आपको एक एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है, मतलब ये दिखाई देने में अच्छा दिखता है, कैपिटल। उसके बाद यहां हम लिखेंगे सिक्योर्ड लोन्स अनसिक्योर्ड लोन्स, उसके बाद करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये हो गए लायबिलिटीज। अभी एसेट में लिख लेंगे, एसेट के जो ये डिस्क्रिप्शन रहेगा यहां पे, जो तीन चार मतलब चार से पांच आइटम्स रहेंगे, एक रहेगा ये फिक्स एसेट्स, उसके बाद यहां पर भी एक एक लाइन छोड़ देंगे इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस, और करंट एसेट्स, ठीक है। अभी यहां पर क्या करना है कि ये जो इसके मतलब जो कॉलम्स है इसकी जो विथ है उसको चेंज करना होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि अभी हम इसमें फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग मतलब अभी ये जो कॉलम है सॉरी ये जो हमने लिखा है इसको सेंटर में लाना है मुझे, तो ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहां तक, ठीक है, या फिर यहां तक ले लेते हैं। और उसके बाद होम टैब में यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर देना है। ये देखो यहां पर आ गया, इस पर थोड़ा सा इसको कलरिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, बोल्ड भी कर लेंगे और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अभी इसको भी सेम वही करना है, मतलब सेंटर में लाना है। उसके बाद अभी यहां पर मुझे जो है ये कॉलम की जो मतलब विथ है उसको, लायबिलिटी का जो कॉलम है इसको ऑटो फिट करना है, मतलब इसमें जो मैक्सिमम जो रहेगा यहां तक ही आ जाना चाहिए। तो इसको आपको जो है डबल क्लिक करना है यहां, तो ये देख लीजिए ये सब पूरा ऑटो फिट हो गया है। अभी उसी तरह ये एसेट्स में भी सेम करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद लगे तो ये जो दूसरे कॉलम्स है उसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, 58 पिक्सल, इसको 58 पिक्सल, ये दोनों हो गया अभी। हाँ, अभी यहां पर हम और क्या कर सकते हैं, चलो पहले हम इसमें के जो नंबर्स है नंबर्स को जो है पहले टाइप कर लेते हैं। तो नंबर्स क्या रहेंगे यहां पे, जैसे कि हम यहां पे जो है 7,067,468.91, ठीक है, सिक्योर्ड लोन यहां पर हम लिखेंगे 218,725.40, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे 26,450 और उसके आगे मतलब कुछ भी नहीं है। और यहां पर हम लेंगे
34902.96, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट में चलते हैं। फिक्स एसेट में यहां पर जो है फिक्स एसेट जो है ये 95919.96, इन्वेस्टमेंट यहां पर जो है 37800, लोन एंड डिपॉजिट सॉरी एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस इसको 5000 कर देते हैं, और करंट एसेट्स इसको जो है 7,69,355.31, ठीक है। हाँ, अभी ये हो गया। अभी यहां पर हमको और क्या करना है कि इसको जो है हाँ यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं कि इसकी विड्थ भी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, या फिर इसको हम ऐसा करते हैं, ये इसको जो हमने ये किया था इसको पहले जो है अंडू कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी जो है नो फिल। हाँ, अभी इसको क्या करेंगे, ये हमारा इसके हिसाब से मतलब यहां तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अभी जो है यहां पर इसको ये मर्ज एंड सेंटर करेंगे, उसके बाद यहां पर कलर्स तो ऑलरेडी है, इसको फिल कर लेंगे हम जो है, ये कलर ले लेंगे यहां पे, उसके बाद इसको भी जो है मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। अभी ये जो है इसका थोड़ा सा जो विथ है रो का इसको बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा कलर दे देते हैं, ठीक है, इसको भी बोल्ड कर देंगे, उसके बाद इसको सेंट्रल कर लेंगे, इसको सेंट्रल कर लेंगे, राइट, ठीक है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, इसको जो है एक काम और कर सकते हैं, ये इसको सेंट्रल हमने अभी किया वर्टिकल, अभी ओरिजेंटल इसको सेंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर ये ऊपर की साइड में इसको हम मिडल कर लेंगे, मतलब ये सेंटर में आ जाएगा। अगर चाहे तो इसको अपर भी कर सकते हैं या लोअर भी कर सकते हैं, लोअर तो बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन इसको सेंट्रल में ये अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब इसको बॉर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो है टोटल लिखना है, यहाँ पर टोटल इसी को कॉपी कर लीजिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए। अभी यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो है ऑटो सम हम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो करना यह है कि शिफ्ट के साथ में जहां तक आपको टोटल चाहिए यह सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। उसके बाद यहां पर एडिटिंग के अंदर में यहां पर एक ऑप्शन है, यहां पर जो है सम का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, यह देख लीजिए आपको जहां रिजल्ट चाहिए था वहां से लेके जहां तक चाहिए वो सिलेक्ट करके आप ये बटन को प्रेस कर दीजिए, वो टोटल हो जाएगा। उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए सेम और यहां पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, हो गया ये। अब इसके बाद हम यहां पर एक काम और करना है हमको, ये जो है इसका बॉर्डर थोड़ा सा हम अलग रखेंगे, अलग मतलब नीचे की साइड में जो है डबल बॉर्डर रहेंगी और ऊपर की साइड में सिंगल रहेंगे, सेम यहां पर भी, ठीक है। और उसके बाद अभी हम यहां पर एक काम और कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट करके जो है एक आउटसाइड बॉर्डर पूरा एक साथ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी आउटसाइड बॉर्डर, उसके बाद ये, ठीक है। अभी यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं इस तरह से, अभी ये जो है यहां पर ये नंबर्स कुछ बराबर नहीं दिखाई दे रहे, मतलब वहां पर जो कॉमा होता है, मतलब पहले तीन के बाद में और उसके बाद हर दो के बाद, तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर नंबर्स के अंदर होम में नंबर्स नाम का जो ग्रुप है इसमें ये देख लीजिए, यहां पर कॉमा स्टाइल होता है, इस पर अगर आप क्लिक कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये देख लीजिए पहले तीन
उसके बाद में फिर तीन तीन करके ये इस तरह से ये करेगा। सेम यहां पर भी वही करना है हमको, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा कभी हमको ये बढ़ाना पड़ेगा, ये देख लीजिए ये आ चुका है, ठीक है। अभी यहां पर क्या हो रहा है कि ये यहां पर भी हम ये कर सकते हैं, ये करते हैं तो क्या होगा, इसका जो है थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा एक एक स्पेस यहां पर बढ़ जाएगा। यहां पर भी हम सेम करेंगे इसी तरह से, ठीक है। हाँ, अभी ये तो हो गया अपना मतलब इसमें जो डेटा होता है ये। अब इसके नीचे भी कुछ चीजें होती है, जैसे कि अगर हम इसके नीचे की अगर बात करें तो इसके नीचे जो है कुछ चीजें होती है। हाँ, यहां पर जैसे कि अभी सबसे पहले तो यहां नाम आएगा, एक लाइन छोड़ के हम नाम लिख देते हैं, जैसे कि फॉर एम के इंटरप्राइजेस कॉमा, उसके बाद में जो है यहां पर जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी वगैरह रहेंगे उनके नाम वगैरह यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में यहां नीचे जो है इसमें होता है डेट, डेट हम इसमें लिख रहे हैं, सपोज हम ऐसा समझ के चलते हैं 17 सितंबर 2022, ठीक है। उसके बाद यहां प्लेस भी होता है, प्लेस में यहां पर हम लिखेंगे मुंबई। यहां एक चेंजेस और करेंगे, डेट के बाद यहां पर जो है कोलन डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड का। अभी राइट साइड में भी कुछ चीजें होती है। यहां पर जो है अभी आपको सबसे पहले तो यहां पर लिखना है एज पर आवर रिपोर्ट ऑफ इवन डेट। उसके बाद में यहां पर जो है एक इमेजिनरी में नाम डाल रहा हूं, और जैसे कि यहां इमेजिनरी नाम डाल देते हैं भिड़े एंड एसोसिएट्स, ठीक है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, एसोसिएट्स, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो है एक इमेजिनरी नाम ले लेंगे। अब ये नाम होगा सी ए, ये भी एक नाम इमेजिनरी नाम है, इसका किसी से कोई किस्म का मतलब जो है संबंध नहीं है। अगर होता है तो वो सिर्फ एक मतलब कि ये हो सकता है, मतलब जानबूझ के नहीं लिया गया है। साथ ही में यहाँ पर मैं मेंबर नंबर भी डाल रहा हूँ, मेंबर नंबर भी यहाँ पर जो है इमेजिनरी में ले रहा हूँ, ठीक है। अभी ये जो है ये इधर ये बॉर्डर के बाहर जा रहा है, तो इसको आपको सही करने के लिए क्या करना होगा, ये सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसका जो अलाइनमेंट है, ठीक है, अलाइनमेंट को आप जो है राइट कर दीजिए, ये सब अंदर आ जाएगा। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में हम इसको अभी जो है ये कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इसको भी बोल्ड कर लेंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे, साथ ही में ये जो है अभी रेडी है। अब ये कैसा दिख रहा है ये देखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका प्रिंट प्रीव्यू जो होता है वो चेक करेंगे हम। तो ये देख लीजिए, अभी यहां पर क्या हो रहा है कि ये लेफ्ट हैंड में ज्यादा मतलब जो है गैप, जगह यहां पर कम है, जबकि जगह यहां पर ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि पहले तो हम इसको क्लोज कर देंगे। यहां पर एक काम और करेंगे कि हम इसको सिलेक्ट करके यहां पर और एक जो है ये ले लेंगे, मतलब अभी ये बाउंड्रीज पूरी हो गई है। साथ ही में यहां पर जो मार्जिन, मार्जिन में क्या है कि ये लेफ्ट हैंड में कम से कम जो है यहां पर 2 इंच रहना चाहिए, ठीक है, 2 इंच कर देंगे इसको और ओके कर देंगे। तो अभी ये देख लीजिए अब सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं।